हाँ अब ये देखिए ये फ्रंट है अभी, ठीक है अभी जंगले लगने हैं, पेंट है, कॉकटेल्स जो माशाल्लाह एकदम बेहतरीन है। ये देखें अब तो ये मारने के लिए आती आगे, काश ये ट्रेन हो जाती तो इनको मैं हाथों में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैर आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं अब्दुल मोहित ब्लॉग्स और आज काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग आया। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आने की जो मेन वजह है वो था मेरा ऑपरेशन। ऑपरेशन हुआ, फिर कुछ दिन रेस्ट चाहिए थी और साथ में घर का काम भी हो रहा था। तो आज से हम डेली अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं दोबारा से और घर में क्या क्या काम होता है आपको दिखाते हैं। तो बस थोड़ा सा मुझे डस्ट से मसला होता है, लेकिन ये है कि आप लोग के लिए मैं ब्लॉगिंग बनाऊँगा, अच्छे अच्छे बनाऊंगा। तो आपको पहले सिचुएशन बताता हूँ, समझाता हूँ कि आजकल क्या चल रहा है। आपको कुछ चीज़ें दिखानी भी है जो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। और जो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया ना वो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल देखें तो चलते सीधा वीडियो में। पहले तो आप ये देखें ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। ये देखें नस्तईन, कैदी नंबर 806 अडियाला जेल। इसीलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, वो लिखना भूल गए। बाकी ये देखें, ये भी एक कोट हो गया यहाँ पे क्योंकि घर में पेंट का काम चल रहा है। मैंने आपको एक आधी वीडियो में बताया था यहाँ पे अंदर हांडी भी बन रही है क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ, टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। और ये देखें, ये भी एक कोट हुआ है, अभी यहाँ पे डबल ट्रिपल कोट होने हैं, ये फिलिंग होनी है अभी। और मैं आपको ऊपर से भी ऑल सिचुएशन दिखाता हूँ। आपको पता है जहाँ पे काम हो रहा हो वहाँ पे गंद तो आम सी बात है। ये देखें जी, ये देखें, ये आपको सारा कुछ अपडेट कराता हूँ। ये सारा जो है पेंट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जो है अभी सफाई वगैरह जो है वो होनी। ये देखें एश वाइट, ये ग्रिले वगैरह भी पेंट हो चुकी हैं, ठीक है। ये देखें क्या चीज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जो मुझे कहे थे चुगाटो के साथ लगे क्योंकि ये नया नया पेंट हुआ है, ठीक है। ये तो चुगाठे हैं, ये पेंट की हैं, ये सारा किया है। ये बताएं, ये कलर कम्बिनेशन किया है इस कमरे की और ये दोबारे जो हैं इस तरह पेंट हो चुकी हैं। ये भी पेंट रहता है, बाकी ये दोबारे। ये देखें, ये घर की सिचुएशन हुई पड़ी है सारी। ये चेक करें सारा, ये तकरीबन तकरीबन जो है बल्कि सारा कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ पे सफाई वगैरह रहती है। ये देखें ऊपर से आपको दिखाते हैं, अभी काम काफ़ी पड़ा है, मेरे ख्याल से अभी 15-20 दिन जो है वो लग जाएंगे। ये देखें ये सारा पेंट हो गया है, वो पीछे वो सामान था इसलिए भी वो जगह नहीं हुई, लेकिन ये बाकी फिनिशिंग करने के बाद वो वहाँ पे वो करेंगे। और ये देखें छत की ये सिचुएशन है, ये आप चेक करें, ये दो दो कोट हो चुके हैं इधर, नीटनेस यहाँ पर आ चुकी हुई है। ये देख सकते हैं जहाँ पे फिलिंग लगने वाली थी वहाँ पे फिलिंग की है, ठीक है। ये देखिए बाकी जो है ये लोग अभी काम कर रहे हैं, ये सिचुएशन सारी की सारी। और ये हमने सिर्फ बैक साइड पे पेंट कराया क्योंकि हम लोगों ने फ्रंट पे करवानी है रॉक वॉल, ठीक है। और मज़े की चीज़, ये आपने टाइल्स पे नहीं देखी होंगी, ये टाइल्स लगवाई हैं सारी। अब यहाँ से सही तरीके से इसे पेंट करना, सामान देखिए किधर किधर बिखरा पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस्तर करना है क्योंकि एक कोई वायर का मसला था तो इधर डीपी लगी हुई थी तो वहाँ से उन्होंने तोड़ के तो वो उन्होंने सही किया वायर। और यही सारा काम है जो आजकल हो रहा है और गंदगी इंतहा है, ये चेक करें। मैं जो पूरे घर में हो रहा है और फैला हुआ है, अब मैं आपको मिलवाता हूँ जानवर से क्योंकि काफ़ी देर के बाद, काफ़ी दिन हो गए हैं कि ना उनको मैंने आपसे मिलाया ना आपको मैंने उनसे मिलाया, तो आप दोनों को एक दूसरे मिलवा देते हैं। कॉकटेल्स जो माशाल्लाह एकदम बेहतरीन है, ये देखें
अब तो ये मारने के लिए आती आगे। काश ये ट्रेन हो जाती तो इनको मैं हाथों में घुमाता। और ये फिंचेस, ये डव, ये वाइट डव, तीन डव रह गई हैं, एक डव और मार के थी, वो बैड न्यूज़ है। और ये एक ये लवबर्ड है और एक वो लवबर्ड है। और मज़े की बात ये कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम मैं भेजने लगा हूँ गाँव में, क्योंकि घर में इतना गंद है और इनकी ना देखभाल करना, मैनेजमेंट जो है बहुत मुश्किल हो रही है मेरे से। और ये गाड़ी का हाल देख लें क्या हुआ पड़ा, ये बम्पर जितनी मर्जी दफ़ा सही करवा लो कहीं ना कहीं लग जाता है, तो अभी इसको ठीक नहीं करवा रहे। बाकी एक दफ़ा घर का काम हो जाए उसके बाद गाड़ी का जो है वो काम करवाना है सारा। आप देख कर सकते हैं कितनी मट्टी है, ठीक है, ये देखें अंदर से बाहर से हर जगह से गंदगी पड़ी है। बाइक जो है मैंने दलवा ली थी, ठीक है। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह जो हमारा अंगूर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पूरा इधर फैल चुका है, उधर भी फैल चुका है। हालांकि आप मेरी पिछली वीडियोस में देखे तो सिर्फ एक डंडा नज़र आता था, ठीक है, और अभी माशाल्लाह पूरा फैल चुका है। एसी ख़राब हो चुका है, जो है एसी ठीक करने वाले को बुलाएंगे, सफाई जो है वो हर जगह की होने वाली है, ठीक है। और ये मैं हूँ और मैंने लोग दिखाऊंगा जब ये करे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। 15-20 दिन तो लगेंगे लेकिन इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो है नाश्ते का वेट करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अभी नीचे पेंट नहीं हुआ और वो अब ऊपर से कम्प्लीट कर रही है। एक दो दिन में उन्होंने नीचे आ जाना, जो बैकग्राउंड पर शोर आ रहा है उसके लिए माजरा। तो ये सारा पेंट होना है, ठीक है, ये सारा का सारा जो है पेंट होना है। लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी लकड़ी लुकड़ी करा नहीं कराना, हमने यहाँ पे सिंपल रखना है और जो रॉक लाइट्स है वो लगानी है। तो यानी कि घर जो होने लगा है वो बहुत खूबसूरत होने वाला है। और यहाँ पे हमने ये काम भी करवाया है, इसके अंदर कोई ना कोई वॉलपेपर हम लगाएंगे जो अच्छा लगेगा। ये अलमारी वगैरह बनाई थी और सामान वगैरह बिखरा पड़ा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर का जो गंदा होने वाला सामान था, मैट्रेसेस वगैरह, ये आगे नीचे, और इस तरह का भी सफाई जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है करने, और जो ऐसी बात होगी भी नहीं। और ये किचन का जो है आपको पता ही है, ये बन रहा था सारा, ये देखें इसके नीचे जो है ना अभी पेपर नहीं उतारा हम लोगों ने। तो इतना छोटा मोटा जो काम है ना वो होने वाला, अब यहाँ पे भी पेंट होना है, हर चीज़ होनी है, मतलब आपको समझ आ ही रही है ना। अभी चेक कर सकते हैं दरवाज़ा, माशाल्लाह ये भी माशाल्लाह। तो बस अब ये बाहर से रह गया, वो भी 15-20 दिन का उनका काम है, उसके बाद मर कर प्रॉपर तरीके से फुल फ्रंट कम्प्लीट हो जाएगा। चीज़ तो मैं आपको दिखाने ही भूल गया, ये अब गेट का कलर है ये भी चेंज हो जाना है। और मैं आपको फ्रंट दिखा देता हूँ कि अभी क्या है और बाद में क्या होगा। आप ये देखिए, ये फ्रंट है अभी, ठीक है, अभी जंगले लगने हैं, पेंट और रॉक वॉल होनी है, ये चीज़ उतर जानी है, ये सारा पेंट होना है, इसके नीचे स्टील की पतरियां लगनी है, काफ़ी काम होना है। ये टाइल्स आपने देखी होंगे कि ये तो लगी हुई थी गर्मी, ये काम जो है सारा पेंडिंग है। आपको आने वाली वीडियोज़ में बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम जो गाँव हैं अब वहाँ पर उसको थोड़ा सा मतलब कर रहे हैं, पौधे वगैरह लगा रहे हैं। कुछ वीडियोज़ हैं जो मेरे पास, वो मैं शायद इसके अंदर पोस्ट कर दूँ, नहीं तो मेरा एक कज़न है वो भी यूट्यूब चैनल वगैरह उधर बनाना स्टार्ट किया, उसको भी जाकर सपोर्ट करें, उसका जो लिंक है मैं नीचे भेज दूँगा। गज का शौक कोई इस तरह का उसका चैनल है, तो वो मैं आपको जो है ना वो लिख दूँगा इधर ही ना साइड पर, तो आप उधर से जाके देख लेना कि वो जो जगह है सब की है, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या करना है। तो काफ़ी कुछ सोचा हुआ है, तो इंशाल्लाह अमल अभी थोड़ा सा लेट है, लेकिन हम साथ साथ कुछ चीज़ें देते जाएंगे, मतलब दिखाते जाएंगे। और ये जो पिंजरे हैं ये भी मैंने वहाँ पे भेजने हैं, डॉलर है वो भी वहाँ पे ही जाना है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पे भेज देनी है। तो वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, लेकिन अभी बहुत काम है तो वीडियो को फुल देखें। कल मैं ज़रा इन कामों में बिज़ी था और साथ में मेरा ऑपरेशन भी था, एक 1 वीक बेड रेस्ट थी लेकिन जो मैंने की नहीं, और चेकअप जो है वो हर 2 हफ्ते बाद है मेरा। तो दुआ करो कि ऐसा ठीक रहे, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट मुझे ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं और आपको दिखाऊं बिफोर एंड आफ्टर की लुक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।